हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी एस स्टडी 94 में। और दोस्तों महेश, दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम दैनिक जागरण का एक एडिटोरियल डेली लेकर आते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकें, आप एक अलग आइडियोलॉजी विचारधारा क्रिएट कर सकें। तो दोस्तों आज का जो आर्टिकल है, ये दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली इसी तरह के एडिटोरियल के लिए और लाइक करें। तो दिया ने राजनीति में गिरावट की कीमत चुकाता देश, तो इसका इस सेंटेंस का मतलब समझिए, राजनीति में गिरावट की कीमत चुकाता देश। कहने का मतलब है राजनीति में जितनी भी अप्रत्याशित रूप से जो घटनाएं घटी हैं, वो देश हित को डुबाने में ही हमेशा कारगर रही हैं। हम आपको बता दें, जिस प्रकार से इस समय चुनाव चल रहा है, अगर आप देखते हैं, कभी चुनाव आता है तो कभी उपचुनाव आता है, कभी ग्राम स्तर का चुनाव आता है तो कभी मतलब एमपी का चुनाव होता है, कभी एमएलए का चुनाव होता है। तो इस प्रकार की चीज़ों में कहीं ना कहीं विकास बाधित होता है, विकास भी बाधित होता है, प्लस हमारे देश की जनसंख्या, हमारे देश के संसाधनों का जिस प्रकार से अनुचित तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, ये हमारे देश की शर्म की बात है। जिन लोगों को हमने जिम्मेदारी दी थी कि आप हमारे देश को अच्छे और सुचारू रूप से चलाएं, आज ये स्थिति है कि वही लोग हमारे संसाधनों से, हमारे लोगों से किस प्रकार से खेल रहे हैं। आप सोचिए कि हर 2 महीने पे, 3 महीने पे जिस प्रकार से चुनाव होता रहता है हमारे देश में, कितने संसाधनों की एक तरह से कह सकते हैं बर्बादी हो रही है हमारे देश में। सोचिए, चुनाव प्रचार में कम पैसा खर्च होता है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक काफिला जा रहा है, 200-200 गाड़ियाँ जा रही हैं, एसपीजी वाले हैं, कमांडो वाले हैं, बड़ी संख्या में आर्मी डिप्लॉय किया जाता है दूसरे राज्यों में, क्षेत्र विशेष में, दंगा ना हो जाए वहाँ पे उस अलग से डिप्लॉय किया जाता है। तो ये पैसा किसका है? चाहे देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो अपने घर से 1 रुपया नहीं लगा सकते, यही तो बात है। ये पैसा जहाँ कमाए, मतलब अवैध तरीके से, अनुचित तरीके से जो पैसा इकट्ठा किए रहते हैं, वही पैसा वो अपने चुनाव में लगाते हैं, अपने चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये जो पैसा है हमारे प्रत्येक नागरिक का है, जो हम लोग टैक्स के रूप में देते हैं, अगर हम 5 रुपये का बिस्कुट भी खाते हैं ना, तो उसमें भी इंक्लूड टैक्स होता है। कहने का मतलब 5 साल का बच्चा भी टैक्स पे कर रहा है, ये लोग 5 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो 10,000-20,000 कमा रहे हैं उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं। फिर भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि जब हमारे देश का 5 साल का बच्चा अपने देश के भविष्य के बारे में ये सोच रहा है और टैक्स पे कर रहा है, फिर भी ये लोग हमारे संसाधनों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। बार बार यही कहते हैं कि जब हम आएंगे तो अब लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव साथ कराएंगे, पर दोस्तों आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये लोग अपने प्रतिद्वंदिता में देश का माहौल किस प्रकार से बिगाड़ दिए हैं, आप वो देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव या उपचुनाव देश में कहीं नहीं कहीं पूरे साल ही चलते रहते हैं। लोग ये भूल गए हैं कि हर 5 साल बाद केवल इस बार भी में ही हर स्तर के चुनाव संभव हैं। इससे जो ऊर्जा संसाधन बचेंगे, उनका उपयोग देश हित में हो सकता है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव आम चुनाव के साथ होने थे, वहाँ के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव से पहले कराने में अपने लिए आर्थिक संभावनाएं देखी। कभी कभार क्या होता है, कुछ राजनीतिक पार्टियाँ ऐसी हैं, वो सोचती हैं कि इस समय जो मेरे सत्ता पक्ष का है या मेरी राजनीतिक पार्टी का है, बोलबाला है, अगर इस समय हम चुनाव कराते हैं तो हम अच्छी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो हर एक राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से अगर सोचेगी, तब तक हमारे संसाधनों का इसी प्रकार से फ़ायदा उठाया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा। इसी प्रकार कई लोग एक से अधिक जगहों से चुनाव लड़ते आए हैं, दोनों स्थानों से जीतने के बाद एक रिक्त करना पड़ता है, फिर उपचुनाव होता है, पर जो व्यय अपव्यय होता है उसकी न तो कोई जिम्मेदारी लेता है, न ही संविधान का कोई प्रावधान इसे रोकता है। इस प्रकार के सभी खर्चे उस करदाता के हिस्से में आते हैं, जिससे लगातार समझाया जाता है कि अपना कर दायित्व तो समय से निभाते रहो, उसका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास के लिए किया जाएगा। आप ये सोचिए, अगर सामान्य नागरिक है, उसके कहीं अधिकारों का अगर अतिक्रमण हो रहा है तो तुरंत, पर ये भी देखिएगा कहीं ना कहीं, देखिए सामान्य नागरिक है,
उसके ऊपर तमाम तरह के 2 मिनट के अंदर कानून बना दिया जाता है, ठीक है, भीड़ तंत्र जुटा रहा तो उसके लिए तमाम तरह के कानून बन जाएंगे। पर ये तो सोचने वाली बात है कि जो लोग 2 कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए क्या कहा जाए, कितने धन बल की आवश्यकता होती है चुनाव में, आपको भी पता है। उसके बाद अगर आप दोनों जगहों से जीतते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूंसीज आपको छोड़नी पड़ती है, चाहे आपके राहुल जी हों चाहे मोदी जी हों। पर इस जो आर्थिक पैसा खर्च होता है कोई मेंशन नहीं करता है, ये कब तक चलेगा? हमारे संसाधनों से, हमारे पैसों से लोग इस तरह के चुनाव लड़ेंगे और हमारी स्थिति बस से बदतर कर देंगे। आपको बता दें कुछ पीढ़ियां तो ख़त्म हो गई जब से चल रहा है गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, मर गए बेचारे, ख़त्म हो गए। आज भी वही नारा है गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, और किसी देश में चले जाएंगे तो ये नारा नहीं है। हमारे देश में जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब से ही नारा चल रहा है, जो गरीब है आज भी गरीब है। उसके बाद है कुछ महीने पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा प्रारंभ हुई थी, चूँकि सुझाव सत्ता पक्ष से आता अतः विपक्ष को जोरदार विरोध तो करना ही था, उन्होंने किया और चर्चा किसी भी सार्थक निष्कर्ष के बिना ही समाप्त हो गई। प्रजातंत्र का अर्थ अधिकांश नेताओं ने पक्ष विपक्ष और समर्थन विरोध तक सीमित कर दिया, उनका मस्तिष्क चुनाव और सत्ता पर अर्जुन के लक्ष्य की तरह केंद्रित हो गया। उनके लिए राष्ट्ररूपी वृक्ष पर सत्ता का फल लगा है और लक्ष्य केवल इस फल तक पहुंचना ही रह गया है। 15 अगस्त 1947 को सत्ता मुख्य रूप से उनके हाथों में आई थी, जिनके त्याग और तपस्या से लोग परिचित थे, जिन्होंने अपरिग्रह का अर्थ समझा, सिद्धांतों और मूल्यों को जिया था। अपवाद छोड़कर उन लोगों के लिए देश सर्वोपरि था, जैसे सत्ता से लाभ कमाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें कह रहा है विचारक कि पहले जो हुआ करता था राष्ट्र के प्रति जो समर्पण था हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं था। जिस प्रकार से एक घोड़ा होता है चाहे एक खच्चर होता है, उसके ऊपर अगर आप घास की सीमा कुछ भी लाद दें, सोना चांदी, फिर भी वो उसका मोल उतना ही समझेगा कि मिट्टी के बराबर। ये उनके अंदर देश भावना थी, राष्ट्र प्रेम था, राष्ट्र प्रेम उनके लिए सर्वोपरि था। पर आज बंदरबाट की राजनीति चल रही है, वो वहाँ से बांट लें हम वहाँ से बांट लें, अपने फायदे का जो है वही करें और जो अपने फायदे का नहीं वो हम छुए तक नहीं। तो इस तरह की राजनीति हमारे देश में चल रही है। आम चुनाव के समय तो मुख्य रूप से इस वर्ग के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों का विश्लेषण होना चाहिए, अगले 5 वर्ष उन्हें कैसे गति प्रदान की जाए इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस चर्चा में पक्ष विपक्ष के लोग एक साथ बैठकर विश्लेषण करें और प्राथमिकताएं निर्धारित करें, लोग स्वयं निर्धारित करें कि कौन अधिक कर्मठता और सेवा भाव से योजनाओं को आगे बढ़ा सकेगा और फिर निर्णय लें। आज ये भी चीज़ों का लोप होता चला गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के बीच जो बहस टीवी पर होती है उसका चुनाव पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऐसी बहसें यदि यहाँ भी आयोजित होने लगे तो शायद शालीनता और भाषा के स्तर में लगातार होती जा रही गिरावट भी रुक जाएगी। आप ये बताइए, हमारे देश के अंदर कभी कभार विधानसभा में कुर्सियाँ तक चली जाती हैं, मतलब कुर्सी खींच खींच के मार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज हुआ था दोस्तों, कहना नहीं चाहिए, बीजेपी के कुछ विधायक थे, मतलब एमपी और एमएलए के बीच जिस प्रकार से जूताबाजी की गई थी वो हमारे देश के लिए बड़ी निंदनीय है। कि हमारे देश का जो शिक्षित वर्ग है जिसके हाथों में प्रतिनिधित्व है कि हमारे देश की जनता का विकास करेगा, वो आपस में छोटी सी बात को लेकर जूता चप्पल और गाली गलौज कर रहे हैं, कैसे कौन विकास करेगा? कनाडा के प्रसिद्ध शिक्षाविद माइकल पुला ने लिखा था, परिवर्तन हर तरफ है मगर प्रगति हर ओर नहीं है। इसके बाद उन्होंने अभी जोड़ा था कि हर परिवर्तन प्रगति का द्योतक नहीं होता। भारत में वो परिवर्तन का आज विश्व सराह रहा है, मगर यह भी माना जा रहा है कि बहुत कुछ जो किया जा सकता है नहीं हो पाया है। यदि भ्रष्टाचार घोटाले सदाचार से दूरी न बढ़ी होती तो शायद आज देश में कोई भी गरीब नहीं होता। हम आप ही सोचिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से तमाम तरह की योजनाएँ दी जा रही हैं और स्पेशली देखा जाए तो गरीबों को दी जा रही हैं, वंचितों को दी जा रही हैं, उपेक्षितों को दी जा रही हैं। पर आज हमारे देश में क्या बदलाव आया है? आज भी कुछ लोग वहीं के वहीं हैं, भारी संख्या में गरीब हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, मतलब किसी प्रकार की अगर आर्थिक तंगी आ रही तो बेचारे झेल नहीं पा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, परिवार छोड़ के भाग जा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी हो जा रही परिवार को तो पूरा रोड पे आ जा रहा है, इतना पैसा नहीं है कि कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ सकें, तो कर क्या ये लोग रहे हैं? यही सब समस्याएं जानते हैं। आज अगर आप वोट देने जाएँ तो इन सब चर्चों पर पहले विचार करें, किसको वोट दें,
तब आप वोट करिए। राजनीति में अगर आप जातिवाद धर्मवाद देखें तो यही तो चाहिए नेताओं को कि अपना झुकाव जातिवाद धर्म और क्षेत्रवाद से रखें, फिर आपका विकास नहीं होगा मित्रों, विनाश होगा। अपने परिवार में समझाएं लोगों को। उसके बाद आप आइए, नहीं कुछ लोगों की उम्र बढ़ती रहती है मगर वे बिरले ही होती हैं जो बड़े भी होते जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं आप राहुल गांधी को, जिस प्रकार के उनके वक्तव्य हैं, जिस प्रकार की संसद में उनकी आँख मिचौलियाँ हैं, वो बड़ी सोचने वाली बात है। जैसे लगता है कोई लड़का स्कूल में अभी तक पढ़ाई कर रहा हो ना, उनके शब्द जो है, उनके जो शब्द हैं ना, वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हैं उनके दिमाग से और जुबान से। कब क्या बोल देंगे कुछ नहीं पता है। जैसे विपक्ष नहीं मजाक हो रहा है, जैसे लगता है कि टीवी वीवी में डिबेट देख रहे हैं, फिल्में चल रही, इंटरटेनमेंट हो रहा हो, इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा आखिर। जैसा दिया देश में आज वोट बैंक की राजनीति एक कड़वी सच्चाई, और इसे समाप्त करने के लिए सारे प्रयास नाकाम हैं। इसके अलावा भी देश के समक्ष अनेक समस्याएं जिन पर पक्ष प्रतिपक्ष के आरोप प्रत्यारोप ही सामने आते हैं। एक राष्ट्रपक्ष भी सामने आना चाहिए। प्रजातंत्र में जनता और उसकी प्रतिनिधि विधायिका सर्वशक्तिमान है। देश को भुखमरी गरीबी और बीमारी से राहत चाहिए। किसानों मजदूरों को अपने अधिकार चाहिए। उन्हें निचले स्तर पर सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से निजात चाहिए। आज हमें बता दें कि जिस प्रकार से किसान की स्थिति दयनीय है, कोई कानून नहीं बन सकता। जिस प्रकार से उसकी उपज का जो बिचौलिए हैं सारा पैसा खा जा रहे हैं, क्या जनता को नहीं पता? जनता कहाँ, जनता को तो पता, सरकार कहाँ सोई है, कब तक सोई रहेगी ये बताइए। 5 साल हो गए, क्या हुआ? उन्हें निचले स्तर पर सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से निजात चाहिए। देश को ज्ञान विज्ञान तथा तकनीकी विशेषज्ञ चाहिए, विद्वत वर्ग चाहिए, जनसेवा करने वाले भी चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो आपका एडिटोरियल है, सीधे सीधे यही कहा गया कि राजनीति के रखवाले जिन्हें अधिकार और जिम्मेदारी दी गई थी कि आप हमारे देश को सुदृढ़ और सशक्त बनाएं, आखिर में वही हमारे देश को किस प्रकार से बंदरबाट की भांति लूट रहे हैं। इससे हमारे देश का कहीं भी विकास नहीं हो पाएगा, इससे हमारे देश का बस विनाश होगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश के लोग जागरूक नहीं हैं। वो तर्क वितर्क ऐसे चीज़ों पर नहीं कर पाते कि हम देश का चुनाव किसको दें, किस पार्टी को दें। और वैसे अगर एक टीवी खरीदने जाएंगे तो 10 लोगों से जाके पूछ लेंगे कि कौन सी टीवी अच्छी, कौन सी ब्रांड की कंपनी अच्छी है, मोबाइल कौन सी अच्छी है, पर जब देश का चुनाव करना होगा तो इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं है। खाली अच्छे हमारे धर्म के हैं, हमारी जाति के, हमारे क्षेत्र के हैं, बस दे दो। ये हमारे देश के अंदर ही इस प्रकार की राजनीति की जाती है कि व्यक्ति के मूल्यों का कोई विश्लेषण नहीं, उसके कार्यों का कोई विश्लेषण नहीं, उसने किस प्रकार का योगदान दिया है देश हित में, राज्य हित में, कोई मतलब नहीं है। हमारे क्षेत्र जाति मजहब का है, बस उसको वोट दे दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। इसी प्रकार के एडिटोरियल को पाने के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।